सो हे गाइस, आ चुका हूं माइनक्राफ्ट के एक और वीडियो के साथ। एंड आज मैं आपके माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन 1.20 के लिए यहां पे न्यू डुप्लीकेशन ग्लिच लेके आ चुका हूं। जी हां, न्यू डुप्लीकेशन ग्लिच फॉर 1.20 अपडेट के लिए, जो कि कुछ दिन पहले आया है। एंड ये वाला ग्लिच 100% वर्क करता है भाई, बहुत ईजी है। आराम से आप अपने सर्वर वर्ल्ड में इस ग्लिच को कर सकते हो, एक बार में ही हो जाएगा, ज्यादा आपको दिक्कत भी नहीं होगी, बहुत ईजी वे है। सब कुछ बताऊंगा आपको, सब लोग वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत कर देना एक भी स्टेप। तो चलो बताता हूं कैसे करना इस ट्रिक को। सबसे पहले तो गाइस, आप लोगों को आपके नॉर्मल वर्ल्ड में आ जाना है। आपके पास जो भी वर्ल्ड है उसके लिए आपको ये चीजें आइटम चाहिए होगा डुप्लीकेट करने के लिए, देख लेना कबल स्टोन और ये सब। एंड जो भी आइटम डुप्लीकेट करना हो आपके इन्वेंटरी के ऊपर वाले रॉ में होना चाहिए, ये सब रख लेना। इसके बाद क्या करना है, ऐसे खुले ग्राउंड में आ जाना है आप लोगों को। एंड सबसे पहले क्या करना है, आपको कबल स्टोन को कुछ ऐसे प्लेस करना है तीन, फिर इसके बगल में एक गैप छोड़ के यहाँ पे आपको दो प्लेस करना है कुछ ऐसे। अब इसको दो ब्लॉक हाइट पे ले जाना है कुछ यू करके, दो दो ब्लॉक की, और सेम उसको भी यहाँ पे दो ब्लॉक की हाइट पे आपको ले जाना है। एक एक स्टेप ध्यान से देखना है, यहाँ पे इसको कनेक्ट कर देना है। एंड इसके नीचे आप लोगों को यहाँ पे चेस्ट रख देना है कुछ यू करके, फिर इसके बाद यहाँ पे आप लोगों को तीन साइन बोर्ड लगा देना है, कोई भी साइन बोर्ड चलेगा, तो आप लोग साइन बोर्ड यहाँ पे लगा देना। इसके बाद यहाँ पे आप लोगों को इसको यहाँ पे वाटर ऐसे प्लेस कर देना है, बस वाटर प्लेस करते ही आपको सिंपली सेव एंड क्विट कर देना वाटर प्लेस करने के बाद। एंड ये देख लो, ये रहा मेरा वर्ल्ड, एंड ये रहा माइनक्राफ्ट का 1.20, ठीक है ना, 1.20 में ही खेल रहा हूँ तो। और हाँ, वर्ल्ड को आप लोग अपना कॉपी भी कर सकते हो अगर आपके आइटम्स अगर गायब हुई। आइटम्स तो गायब नहीं होंगे यार, एक बार में ये हो जाएगा ग्लिच में, एक बार में ट्राई किया और ये वर्क भी कर गया। तो सिंपली अपने वर्ल्ड में चले जाना सेव एंड क्विट करने के बाद, फिर से जाना सेव अपने वर्ल्ड में। तो यहाँ मैं वर्ल्ड ज्वाइन हो रहा है, कोई भी यहाँ पर सीन कट वगैरह नहीं करूँगा। एंड ये देखो, जैसे वर्ल्ड में आओगे ना तो आपको क्या करना है, पहले आगे जाना है सिंपली पानी के अंदर, और यहाँ पर चेस्ट ओपन करना है, फटाफट से सारे आइटम्स रख देना जो फर्स्ट रो में होंगे, वही वो भी आइटम रख देना, ये भी रख देना, ये भी रख देना, और ये भी रख देता हूँ, चलो ठीक है। अभी आपको चार हार्ट का डैमेज लेना, ओनली चार हार्ट, तो देखना चार हार्ट का। ओके, एक हार्ट गया, दो हार्ट गया, तीन हार्ट गया, जैसे ही चार हार्ट जाएगा फट से आपको यहाँ पर फोर स्क्विट करना, सेवन क्विट नहीं करना, सिंपली हटा देना उसको बैकग्राउंड में से। फिर इसको रीओपन करना अपने माइनक्राफ्ट को, सिंपली इसको ओपन होने देना, थोड़ा टाइम लेगा। एंड हाँ, ओपन होने देना और आपकी स्किन वगैरह सब कुछ लोड लेने देना, ठीक है ना, स्किन वगैरह लोड ले लेगा। फिर से जाता मैं अपने वर्ल्ड में, ये देखो अभी आप लोगों को पता लगेगा द मोमेंट ऑफ ट्रूथ भाई, ये ग्लिच 100% वर्क करेगा। ये देखो यहाँ पे आ चुका, बाहर आया हूँ मैं। एंड मैं अपनी इन्वेंटरी खोल के दिखाऊँ तो देखो, ये मेरी इन्वेंटरी में यहाँ पे ऑलरेडी है। और अगर मैं आपको वो चेस्ट खोल के दिखाऊँ तो उस चेस्ट में भी ये देखो बूम, देख सकते हो यहाँ पे उस चेस्ट में भी सारे आइटम्स आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पे देख सकते हो डुप्लीकेट भी कर सकते हो और अनलिमिटेड एक्सपी भी ले सकते हो अपने आर्मर्स के एन्चेंटमेंट उतार के। तो ये वाला ग्लिच 100% वर्क करता है 1.20 में, तो जाओ जल्दी लिख कंप्लीट कर लो एंड मेरे को कमेंट कर बताना। सो गई, तो आज के वीडियो में बस इतना, रखते हैं, वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, चैनल पर नहीं आ चुके हो तो यार सब्सक्राइब जरूर करना। एंड मैं मिलता हूँ आप लोगों से ऐसी ही माइनक्राफ्ट की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड पीस आउट।